नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी दिन के बाद आप लोगों से बात करने का मन हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल चुका है और हम लोग अपनी गतिविधियां थोड़ी थोड़ी शुरू कर रहे हैं। दुकानदार दुकान खोल रहा है, फैक्ट्री ओनर्स फैक्ट्री खोल रहे हैं। ऐसी तमाम आर्थिक गतिविधियाँ धीरे धीरे खुल रही हैं, पर खुलने के बावजूद ना तो दुकानदार उत्साहित है क्योंकि उसके पास खरीदार नहीं है। फैक्ट्री ओनर्स फैक्ट्री चलाकर भी खुश नहीं है क्योंकि उसके पास ऑर्डर नहीं है। और इन सब चीज़ों के पीछे जो मूल कारण है वो है डिमांड। और डिमांड तभी आएगी जब हम लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो चाहे नौकरियों के रूप में आए, इंसेंटिव के रूप में आए, या जो इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने खोया है उसके कंपनसेशन के रूप में आए। किसी ना किसी रूप में जब तक ये पैसा उन आम हाथों में नहीं पहुंचेगा जो हमारे ग्राहक हैं, जिनकी बदौलत ये दुकान चलती हैं, ये फैक्ट्रियां चलती हैं, उनके हाथों में पैसा नहीं आएगा, तो मैं नहीं समझता कि सरकार के द्वारा दिए गए ये पैकेज हमारे किसी काम आ पाएंगे। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी दुकानदार तभी लोन भी लेगा जो सरकार के द्वारा तमाम लोन की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। लेकिन लोन लेना व्यवहारिक तभी होता है जब हमारे पास अपने कारोबार में बढ़ोतरी का अवसर हो। अभी हमारे कारोबार में बढ़ोतरी का अवसर है ही नहीं। सरकार को ये सोचना होगा कि हमें उन हाथों में पैसा दें। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार को पैसा वाउचर के रूप में दिया जाए, जनता को वाउचर के रूप में दिया जाए। हर सेक्टर के लिए एक वाउचर होना चाहिए कि वह खाद्य पदार्थ के लिए इतना का वाउचर, कपड़े लत्ते के लिए इतने का वाउचर। इसी तरह से अलग-अलग जो हमारे व्यावहारिक जीवन में जो हम लोगों की ज़रूरतें हैं उसके लिए उनको कैश वाउचर्स देने चाहिए, जिसका रिडीम पीरियड उनको 1 साल रखना चाहिए, जिससे कि वो वाउचर्स हमारे रिडीम करने का हमारे पास यदि 1 साल का समय होगा तो निश्चित तौर पे हम बायर बन के मार्केट में आएंगे उनको रिडीम कराने के लिए। और उसके कारण डिमांड रेज होगी, दुकानदार माल रखेंगे, और जब उनको माल चाहिए होगा ग्राहकों के लिए तो निश्चित तौर पे वो डिमांड रेज होगी, वो फैक्ट्रियों को भी ऑर्डर देंगे। और इस तरह से फैक्ट्री ओनर भी, वो जो मजदूर अपने घर जाके बैठ गया है उनको चाहे अधिक वेजेस दे के बुलाए या जैसे बुलाएगा वो उनको भी बुलाएगा, और पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है। घर में बैठा मजदूर यदि उसको अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो वो भी अपने घर से बाहर निकल कर आएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि सरकार कैश वाउचर्स अगर आम जनता को, 35 करोड़ परिवार भारतवर्ष में एक्सपेक्टेड हैं, 35 करोड़ परिवार को अगर 25,000 रुपये के भी वाउचर्स देती है तो लगभग मैं समझता हूँ 7.5 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा। और इसमें जो लोग सक्षम हैं, जिन लोगों को इन वाउचर्स की ज़रूरत नहीं है, वो इस पैसे को रिडीम ना कराएं तो वो ऑटोमेटिकली ही 1 साल में गवर्नमेंट के पास ही वो पैसा रह जाएगा। और जिन लोगों की ज़रूरत हैं, जो लोग ऐसे वर्ग के हैं जिनके लिए वो पैसा ज़रूरी है, वो उसको खर्चेंगे और वो अर्थव्यवस्था में परफॉर्म करेगा। और निश्चित तौर पे हमारी जो अर्थव्यवस्था रुकी पड़ी है वो चलना शुरू हो जाएगी। मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये एक ऐसा विचार आया था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।